सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बड़े होंगे तो आगे ही बढ़े रहना। तो जैसे काफ़ी सारे भाइयों का क्या हो रहा है, जैसे वो आपने इंस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी लगाने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं हमको उनको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो एक फ़ोटो है। तो गाइस यहाँ पर कहीं पर भी आपको इफेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस आपके इंस्टाग्राम पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कोई भी इफेक्ट यूज़ करके यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा सकता हूँ। आपको जैसे कि यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी इफेक्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो गाइस आप कैसे अपने इंस्टाग्राम पर इफेक्ट का ऑप्शन लेके आ सकते हो, तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सिंपल सा अपने यहाँ पर फ़ोन का प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट आया होगा। सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आता रहता है। इसके कारण आपको यहाँ पर कुछ भी फीचर्स जैसे कि इधर उधर या तो दिखाई नहीं देते। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो तीन स्टेप करना होगा। सेटिंग पर जाना है, सेटिंग ओपन हो जाएगा, थोड़ा नीचे जाना है, ऐप्स का सेटिंग दिखाई देगा, डिफॉल्ट ऐप, ऐप लिस्ट, कोई भी मैनेज ऐप कोई भी मिल जाएगा, उसके ऊपर ही क्लिक करना है। नहीं मिलता है ऐप्स का सेटिंग तो आप यहाँ पर सर्च कर देना डायरेक्टली ऐप्स। सर्च करने के बाद ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम दिखाई नहीं देता है तो गाइस आपको ऊपर सर्च करना है। सर्च करने के बाद इंस्टाग्राम मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, थोड़ा नीचे जाना है, स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज कोई भी मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस। यहाँ पर आपको क्लियर ओल्ड डाटा या क्लियर डाटा मिलता है तो गाइस उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्लियर कैचेस करना है ओनली। यहाँ से बैक आना, इसको क्लोज करना इंस्टाग्राम को, और आपको क्या करना है, जो भी आपका साइट का पावर बटन है उसको क्लिक कर रखना थोड़ा देर। और गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट मिल जाएगा बीच में, इसके ऊपर क्लिक करना तो आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इंटरनेट को चेकआउट करके आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, और गाइस यहाँ पर आप कोई भी स्टोरी लगाने की कोशिश करते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर थोड़ा लोड ले रहा है, इंटरनेट काफ़ी स्लो है इसकी वजह से। तो गाइस यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर फोटो के ऊपर इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हो, यहाँ पर आप देख सकते इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना, इफेक्ट आ जाएगा। और गाइस आप कोई भी यहाँ पर इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये इफेक्ट यूज़ कर लिया हूँ। डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, म्यूजिक पर जाता हूँ, कोई भी यहाँ पर म्यूजिक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आप कुछ इस तरह म्यूजिक को सेलेक्ट करके कहीं पर म्यूजिक को रख सकते हो। और गाइस कोई भी यहाँ पर कुछ भी आप इमोजी लगा के इसको पोस्ट कर सकते हो स्टोरी में। तो गाइस आप कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में कुछ इतना ही।